अगर आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी इस तरह का व्यवहार करे और कोई विमेन कोई महिला कर्मचारी आरोप लगाए कि मेरा गला घोटा, मेरी बाह पकड़ी, मुझे घसीटा गया, मुझे और मेरा दम घुटने लगा, आपके ऑफिस में कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? दो जवाब इसके। एक कि ऑफिस और संसद का बेसिक चरित्र फर्क होता है, संसद में सुप्रीमेसी है सांसद की। दूसरा हुआ, जब भी कोई ऐसा आरोप लगता है, नहीं नहीं पहले ही आप जवाब दे गए, मतलब नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की ज्यादा जिम्मेदारी है सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मतलब जो हम पे लागू होता है वो उन पे लागू नहीं होता, उनको छूट है। काटिए मत। दूसरा सवाल, दूसरा जवाब भी है जी, मैंने दो जवाब बोले। दूसरी बात, जब भी ऐसे कोई घटनाक्रम होता है, आरोप लगते हैं, उसकी जांच होती है, ऐसे आरोपों को फैलाया नहीं जाता है जैसे कि इस सरकार ने किया था। अगर कोई आपकी महिला अगर आपकी कोई महिला एम्प्लॉय ये कहे, अरे सर एक मिनट सुनिए ना गुरदीप भाई, एक मिनट सुनिए ना, अगर कोई आपकी महिला एम्प्लॉय ये कहे कि आपके ऑफिस में किसी कर्मचारी ने मेरी बाह पकड़ी, मुझे घसीटा, अगर कोई एम्प्लॉय ये कहे कि मेरा गला दबाया, मेरा दम घुटा, मेरे पर अटैक हुआ, मेरी गर्दन पकड़ ली, तो आप क्या करेंगे सर? आप बताइए गुरदीप जी, आप क्या करेंगे? आप उनके आप किनके साथ खड़े होंगे? सुनिए, आप किनके साथ खड़े होंगे, महिला एम्प्लॉय के साथ या गला घोटने वाले के साथ? अब सुन लीजिए ना बात पूरी, आपका सवाल पूरा हो गया जी। पहली बात, हमेशा ऐसे आरोप की जांच होनी चाहिए, जो विक्टिम है उसके साथ खड़ा होना चाहिए सिस्टम को। लेकिन लेकिन उस दिन सांसदों ने भी महिला सांसदों ने, फूलो देवी नेताम ने बाकायदा बोला कि कैसे उनको धक्का दिया गया, कैसे उनके साथ धक्के मुक्के की जांच पूरी होने तक निलंबन करते नहीं करते। आपने उसकी बात क्यों नहीं की? जिस मैं तो महिला मार्शल की बात कर रहा हूँ आज, मैं तो उनके साथ खड़ा होना चाह रहा था, मुझे लगा गुरदीप जी कि आप महिला मार्शल्स के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आपका नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कह रही महिला मार्शल हूँ पिट सकती हूँ। दोनों के साथ नहीं, मैं भाई कांग्रेस पार्टी का नारा है गुरदीप जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला मार्शल हूँ पिट सकती हूँ। नहीं ना गुरदीप जी, अमन जी मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए जी कि महिला सिक्योरिटी वाले की बात में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं, अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर आप छाया वर्मा के साथ नहीं है, फूलो देवी नेताम के साथ नहीं है। आप मेरी बात पूरी, अगर आप मेरे साथ हैं तो आप छाया वर्मा के साथ नहीं है सर, काटेंगे नहीं मेरी बात को। चलिए आप बोलिए, बताइए कि जो आरोप छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने लगाया था उनके साथ अभद्रता का, आप उनके साथ खड़े? हाँ, अगर उनके साथ हुई अभद्रता, तस्वीरें बता दीजिए। उन्होंने कहा तस्वीरें, तस्वीरें सर, अगर मत सर तस्वीरें, अगर मत लगाइए, मैं गुरदीप जी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये छाया वर्मा है, ये देखिए, आप टीवी लगाए सर सामने एक बार देख लीजिए, ये छाया वर्मा है जो महिला मार्शल के साथ कर रही है, उनको घसीट रही है। अमन जी, एज अ चैनल आपने डिमांड की थी कि ये जो सिलेक्टेड तस्वीर की बजाय पूरे आधे घंटे की फुटेज दिखाई जाए, तो मतलब आपको डर तस्वीरें बाहर आने का है, जो हुआ वो गलत नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें बाहर आ गई ये गलत है, चोरी पकड़ी गई। मीडिया एज अ मीडिया आपने डिमांड क्यों नहीं की आधे घंटे? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, तकलीफ इस चीज की। अच्छे से मैं केसी त्यागी जी के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर। आप स्पून फीडिंग पे क्यों गए हैं? नहीं नहीं, मैं केसी त्यागी नहीं सर, अब मैं एक काउंटर सवाल ये है, आपको जो हुआ उस पर अफसोस नहीं है? तस्वीरें बाहर कैसे आ गई, चोरी कैसे पकड़ी गई? ये नहीं कहना, मैं कह रहा हूँ तस्वीरें सारी आनी चाहिए, आप मेरी बात को उल्टा नहीं कह सकते। चलिए मैं केसी त्यागी जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है गुरदीप जी, मैं आ रहा हूँ एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, एज अ मीडिया की जिम्मेदारी ये है, आप सरकार से डिमांड करते कि पूरे आधे घंटे की फुटेज इश्यू करे, हमने की है डिमांड, ठीक है पूरे आधे घंटे की फुटेज इश्यू करे, वो आधे घंटे की फुटेज इसलिए इश्यू नहीं होती है क्योंकि बाहर के लोग उस दिन सदन के अंदर थे। आप इस बात को अगर डेमोक्रेसी पे खतरा नहीं मानते हैं अमन जी, तो आप उनके साथ हैं जिन्होंने बाहर के लोग सदन में भेज के डेमोक्रेसी को उस दिन बदनाम करने की कोशिश की है।